हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। और आज नीट का ड्रेस कोड जो रिलीज़ हुआ है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो नीट का ड्रेस कोड 2019 के एग्ज़ाम के लिए है, उसमें उन्होंने अपना ऑफिशियल जो ब्रोशर है वो लॉन्च कर दिया है और रिलीज़ कर चुके हैं। तो उसमें उन्होंने काफ़ी लाइट क्लोथ और स्लीपर्स पहनने को ही बोला है। और मैं आपको बताता हूँ कि गाइस आप क्या क्या चीज़ें उसमें पहन सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ गाइस। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट वियर लाइट क्लोथ विथ स्लीपर एंड सैंडल्स। तो गाइज आपको एकदम लाइट क्लोथ्स पहनने हैं, आपको कोई भारी बड़े बटन वाले क्लोथ या ये सब चीज़ें नहीं पहननी है। मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग से बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें पहननी है, क्या नहीं पहननी है। तो जो मेल के लिए फुल स्लीव शर्ट और बिग बटन्स की पॉकेट्स एंड जिप्स अलाउड नहीं है गाइज। आप ध्यान रखिएगा, आप जब वहाँ जाएंगे एग्ज़ाम देने तो हो सकता है आपको वहाँ एग्ज़ाम ना देने दें या वो कपड़े उतरवा दें गाइस। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और सेम फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन्हें भी फूल वाले बड़े बटन्स वाले ये सब कपड़े अवॉइड करने हैं। और शूज़ तो आपको बिल्कुल पहनने ही नहीं है गाइस। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पिक दिखाता हूँ गाइस, उसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड है और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है वो बताई गई हैं। तो आप इसमें देखिए, जो चीज़ें अलाउड है वो काफ़ी लाइट ड्रेस है, मतलब स्लीपर सैंडल और टी शर्ट, हाफ स्लीव की टी शर्ट। और जो चीज़ें नॉट अलाउड है उसमें आप देखिए, घड़ी, वॉलेट्स, शूज़, फैंसी सनग्लासेस, ज्वेलरीज, ये सब अलाउड नहीं है गाइस। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे बच्चे पहन के चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या नहीं है। गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक से लास्ट के 4 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन करनी है गाइज़। तो प्लीज़ हमारे चैनल शिवा लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू गाइज़।